इंडियन टेस्टी रेसिपीज में आप सबका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सबका मनपसंद गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होंगी। हमने 1.5 किलो गाजर ले लिए हैं, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। हमने 300 ml दूध ले लिया है, जिसे हमने उबाल लिया है। 250 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क है। 8 से 10 पिस्ते हैं, गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। 150 ग्राम मावा है। 3 टीस्पून असली घी है। 10 से 12 काजू है, 10 से 12 बादाम है। 250 ग्राम शक्कर है। भगोने में बनाने में हमें बहुत देर लगती है गाजर का हलवा, इसलिए हम कुकर में बना रहे हैं। सबसे पहले हम कुकर में असली घी डाल देंगे। घी पिघलने के बाद हम उसमें ग्रेट किया हुआ गाजर डाल देंगे। हमने गाजर डाल दिया है, अब हम इसमें उबला हुआ जो दूध है वो भी ऐड कर देंगे और हम कुकर बंद करके गाजर को 3 सीटी आने तक पका लेंगे। 3 सीटी में हमारे गाजर बिल्कुल गल चुके होंगे। हम अभी कुकर बंद कर रहे हैं। 3 सीटी हो चुकी है। हम अभी कुकर खोलकर देखते हैं। अभी इसमें हमारा गाजर बिल्कुल गल चुके हैं। हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे और शक्कर का भी थोड़ा पानी छूट जाएगा। हम इसे 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर बिल्कुल शक्कर के पानी को सुखा लेंगे और बीच बीच में हम हिलाते रहे। 10 मिनट में पानी सूख जाएगा, ये जो पानी दिखाई दे रहा है शक्कर का। 10 मिनट हो चुके हैं, पानी थोड़ा सूख चुका है। हम इसमें अब ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें मावा भी ऐड कर देंगे और कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर देंगे। मावे और कंडेंस्ड मिल्क से हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार डालकर ज़रूर देखिए। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हलवे में मिक्स कर लेंगे और इसका भी थोड़ा पानी छूटेगा अभी कंडेंस्ड मिल्क का, मावे का, तो हम इसे भी अभी सुखा लेंगे। 10 मिनट हाई फ्लेम पर हम हिलाते हुए इसे भी बिल्कुल सुखा लेना है हमें। जितना भी थोड़ा पानी है, बिल्कुल ड्राई हलवा बर्कन तैयार होना चाहिए। 10 मिनट हो चुके हैं और पानी सूख चुका है। देखिए अभी बिल्कुल ड्राई है ये, हम दिखा रहे हैं। देखो इधर पानी बिल्कुल नहीं है, मतलब हमारा हलवा बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बिल्कुल बनकर तैयार है। हम इसे अभी सर्विंग बाउल में निकाल सकते हैं। ऊपर से हम पिस्ता गार्निश कर देंगे। देखिए हमने पिस्ते से गार्निशिंग कर लिया है। अगर आज की गाजर के हलवे की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।